भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर डे नाइट टेस्ट खेलने का प्रस्ताव भेजा है। बीसीबी के चेयरमैन अक्रम खान ने रविवार को कहा, हमें 2 से 3 दिन पहले पत्र मिला था, इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, बीसीसीआई को 1 से 2 दिन में सूचित कर दिया जाएगा। बांग्लादेश ने अगर बीसीसीआई के प्रस्ताव पर सहमति जताई तो ईडन गार्डन्स डे नाइट टेस्ट का आयोजन करने वाला देश का पहला स्टेडियम होगा। भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 16 नवंबर से इंदौर में होगा, दूसरा मैच 22 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा। गांगुली और कोहली डे नाइट टेस्ट पर सहमत। शुक्रवार को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था, डे नाइट टेस्ट में विश्वास रखता हूँ। कोहली भी इसके लिए सहमत हैं। ऐसी खबरें आ रही थी कि वे डे नाइट टेस्ट नहीं खेलना चाहते, जो कि सही नहीं है। जब देश का कप्तान सहमत हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। हम देखेंगे कि इसे कैसे आगे बढ़ाना है। पहला डे नाइट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। पहला डे नाइट टेस्ट 2015 में एडिलेड ओवल पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसकी शुरुआत के 4 साल बाद भी अब तक वर्ल्ड नंबर 1 टीम भारत एक भी डे नाइट टेस्ट नहीं खेला। भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 3 T20 की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 3 नवंबर को होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का प्रस्ताव ठुकराया था। भारत डे नाइट टेस्ट को लेकर पहले गंभीर नहीं था। पिछले साल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में डे नाइट टेस्ट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने उसे ठुकरा दिया था। तब कोहली और मुख्य कोच रविवार शास्त्री, प्रशासकों की समिति COA ने बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी के इस प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। चौधरी ने बाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ राजकोट में डे नाइट टेस्ट मैच खेलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था।